राजगुरु और तेनालीराम के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं गोपाल, तेनालीराम जी का सबसे विश्वसनीय पात्र। राजगुरु और तेनालीराम धारावाहिक की बढ़ती लोकप्रियता और इसकी दूसरी श्रृंखला यानी सीजन दो की मांग के लिए हम आपके आभारी हैं। हम आपको बता दें कि हमने दूसरा सीजन बनाना शुरू भी कर दिया है, किंतु इसे बनाने में समय लगता है। हमारा लक्ष्य है कि हम आपके समक्ष दूसरी श्रृंखला 5 अप्रैल 2022 से पहले ले आएंगे। इस दूसरे सीजन का नाम होगा पहेली वाला। ये श्रृंखला होगी 13 कड़ियों की। इस बीच हम आप लोगों को इन कड़ियों के ट्रेलर्स दिखाते रहेंगे। अब सीजन 2 के दर्शकों को एक रीकैप के जरिए दिखाते हैं कि राजगुरु और तेनालीराम का झगड़ा शुरू हुआ कैसे था। तेनालीराम जी कई वर्ष प्रयास करते रहे कि उनकी धर्म पत्नी के मामा यानी ताताचारी राजगुरु उन्हें मंगलगिरी से विजयनगर बुला ले, पर राजगुरु जी भी तेनालीराम जी की प्रतिभा को जानते थे और उन्होंने नहीं बुलाया। फिर एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब बहुत हुआ, अब विजयनगर चलते हैं और वहां जाकर खुद अपना स्थान बनाएंगे। हम कल सुबह सुबह चल देंगे। वो तो ठीक है जी, मगर सोचो क्या विजयनगर जाना जरूरी है? और कोई चारा है? गुंटूर के इस गल्ली पाडू जिले के इस तेनाली गांव में मेरा क्या भविष्य होगा? और गांव में सब यही कहते हैं कि मैं अगर एक बार, सिर्फ एक बार विजयनगर राज दरबार में घुस गया तो महाराज कृष्णदेव राय के नजदीक आना मुश्किल ना होगा। क्यों जी, राजा के करीबी होना तो बड़ा मुश्किल होता है ना? महाराज कृष्णदेव राय बस ऐसे ही राजा हैं, हुनर को और जहीनत को पहचानते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो मामा ताताचारी ने हमें जवाब क्यों नहीं दिया? यही तो वजह है कि मैं जरूर जाना चाहता हूँ। ऐसे ही होते हैं विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति। आशा करता हूँ आपको ये तो याद होगा कि विजयनगर में मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने तेनालीराम जी की बुद्धिमत्ता को पहचाना, और मैं ही था जिसने उनकी सलाह पर चलकर अपनी नौकरी बचाई, याद है ना? आइए दोबारा देखें। अरे मित्र, ये राज दरबार किधर है? श्रीमान, जिस ओर से मैं आ रहा हूँ उधर सीधे जाकर आप बाई ओर मुड़ जाइए, वहीं है राज दरबार। आप क्या वही कार्य करते हैं? करता था, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी। तो नौकरी से निकाला क्यों? अभी तक तो नहीं निकाला, मगर ये पक्का है कि मुझे निकाल दिया जाएगा। अरे ऐसा क्या किया तुमने कि तुम्हें अवश्य निकाल दिया जाएगा? किया नहीं, करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब तो बताओ जरा ऐसा क्या करने जा रहे हो कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? अब वो आज से अगले एक सप्ताह तक मेरी नियुक्ति राजगुरु जी के घर पर हुई है। आज मैंने कोषाध्यक्ष से एक सप्ताह की छुट्टी का आवेदन किया था जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब मैं 3 से 4 दिन के लिए घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है और तुम चिंता मत करो, मान लो तुम्हें छुट्टी मिल गई। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अब जी गोपाल। श्रीमान, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप इस नगर में नए हैं, आपको राज दरबार तक का तो पता मालूम नहीं, और आप कह रहे हैं कि... हाँ हाँ, राज दरबार को नहीं जानता मगर राजगुरु को जानता हूँ अच्छी तरह से। अब श्रीमान, क्या आप सच में मुझे राजगुरु जी से छुट्टी दिलवा देंगे? नहीं, वो स्वयं देगा तुम्हें छुट्टी। वो देंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तेनालीराम
इतनी देर से क्यों आए हो? अब राजगुरु जी, मैं तो पहले ही आ गया था। फिर इतनी देर क्यों लगा दी आने में? वो राजगुरु जी, जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति छिपकर आपकी और रक्षा मंत्री जी की बातें सुन रहा था। मैं उसे जानता नहीं था, मुझे पता भी नहीं कि वो कौन था। मैं समझ गया कौन है वो कमबख्त। फिर वो आपके पास आ गया और उसने आपसे शायद कुछ बातें भी की और फिर बड़बड़ाते हुए वापस लौट गया। क्या बड़बड़ा रहा था वो? वो कह रहा था कि मैं 3 दिनों में अपनी तैयारी पूरी कर लूंगा और फिर ऐसी पटखनी दूंगा इस राजगुरु को कि ये याद रखेगा। ऐसा कहा उसने? हाँ, और भी बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था, पर वो सब मैं सुन नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि कहीं वो आपका अनिष्ट करने की योजना तो नहीं बना रहा, तो मैंने उसका पीछा किया। शाबाश। फिर वो सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और मैंने सोचा कि कहीं आपको मुझसे कोई काम ना हो और मैं आपके पास चला आया। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं। तू जा और उसका पीछा कर। वो जहां जाए तू उसके पीछे साए की तरह लगा रहे, बाज की तरह नजर रखना उस पर। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या कर रहा है, और सुन, यदि कोई खास बात दिखे तो फौरन आकर मुझे बताना। जी, बहुत अच्छा। अब किंतु यदि वो विजयनगर से बाहर जाए तो तुम भी उसके पीछे चले जाना। राजगुरु जी, आप चिंता ना करें, यदि कोई भी खास बात नजर आएगी या सुनने में आएगी तो मैं आपके पास उसी समय उपस्थित हो जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है, तुम जाओ जल्दी, कहीं वो वहां से चला ना जाए। जाओ गोपाल, जल्दी जाओ। और इस तरह तेनाली राम जी ने मेरी नौकरी बचाई और मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। और आइए अब ये जाने कि तेनाली राम जी ने विजयनगर पहुंचकर अपनी जगह राज दरबार में निश्चित कैसे की। राजगुरु जी, वो देखिए उधर साधारण लोगों के बीच, ये वही शख्स है ना जो इतवार को आपके घर आया था? अरे वो ईश्वर, वो यहां भी पहुंच गया, अब क्या करूं? क्या आप उसे जानते हैं? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये रामलिंग है। कल तो आप कह रहे थे कि आप उसे नहीं जानते। हाँ, वो जान कर कहा था ताकि ये बला टल सके, मगर ये कमबख्त तो यहां भी पहुंच गया, अब क्या करूं रक्षा मंत्री जी? महाराज, ये कोडवीट के पंडित हैं, बड़े ही विद्वान हैं। अब मैं पंडित जी से अर्ज करूंगा कि वो हमें बताएं कि सच क्या है। महाराज की जय हो। महाराज, ये दुनिया एक धोखा है। हम जो देखते सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते हैं या सूंघते हैं, ये सब बस हमारे ख्यालों में है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि होता है। असलियत यही है कि ये दुनिया एक धोखा है। है कोई जवाब किसी के पास? हमारे सभासदों ने आलिम पंडित जी का ख्याल सुना, क्या आप लोगों में से कोई इसका जवाब दे सकता है? महाराज, इजाजत हो तो कहूं। हाँ हाँ, यहां आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम रामलिंग है, मैं तेनाली गांव का रहने वाला हूं। हाँ तो कहो, तुम क्या कहना चाहते हो रामलिंग?
जी मैं पूछना चाहता हूँ कि पंडित जी की ये बात सच है तो वो इसे साबित करके बताएं। अरे इसमें साबित करने की बात कहाँ से आ गई, यही सब बातें तो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। अब भला शास्त्र क्या कुछ गलत बोलेंगे। अच्छा यदि ऐसी बात है तो हम क्यों ना पंडित जी के इस ख्याल की सच्चाई जांच लें। हाँ हाँ जांचिए जांचिए। आज हमारे महाराज की ओर से एक दावत दी जा रही है, उसमें हम सब, मैं और यहाँ बैठे सभासद सब जी भर कर खाएंगे, किंतु आपसे प्रार्थना है कि आप एक जगह पर बैठे रहें। क्यों? आप तो एक जगह पर बैठकर ये सोचेंगे कि आप पकवानों को खा रहे हैं, उनकी खुशबू को सूंघ रहे हैं। आपके कहने के हिसाब से ऐसा करने से ही आप तो दावत खा ही लेंगे। वाह रामलिंग वाह, तुमने तो बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। तुम अक्लमंद हो। धन्यवाद महाराज। ये लो, हम तुम्हारी अक्ल की इज्जत करते हुए स्वर्ण मुद्राओं से भरी ये थाली तुम्हें देते हैं। तेनाली राम विजयनगर आ गए। उन्हें देखकर राजगुरु को अपनी गद्दी डोलती दिखने लगी और वो तेनाली राम को विजयनगर के राजदरबार से निकलवाने की तरकीबें सोचने लगे। आज इतने वर्षों बाद भी दोनों में दिमागी जंग जारी है। राजगुरु और तेनाली राम के सीजन 3 में आप लोग क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। और अब मिलते हैं सीजन 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।